हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल हारमोनियम गुरु में। मैं गुरप्रीत सिंह एक बार फिर से हाजिर एक नया वीडियो लेके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि जिससे आपका हारमोनियम में हाथ बहुत तेज़ दौड़ेगा। आप जहाँ से चाहे कोई भी गाना जहाँ से भी चाहे वहाँ से आप पूरे स्पीड में बजा सकते हैं, कुछ भी चीज़ आप बहुत स्पीड में बजा सकते हैं। तो उसके लिए मैं आज आपको एक एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ कि जिससे आपके हारमोनियम में आपका हाथ तेज़ हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है, हारमोनियम में स्पीड कब आती है? जब हारमोनियम में स्पीड तब आती है जब आप हर एक चीज़ कंफर्टेबली, आपको हर एक स्केल आता हो, आपने सारे गामा पता नहीं सा हर एक स्केल से बजाया हो, तब आपके हाथ में जाके स्पीड आती है। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार मैंने एक एक्सरसाइज बनाई जिसमें अगर आप उसको प्रैक्टिस करें, मात्र 10 दिन आप अगर उसको प्रैक्टिस कर लें सही ढंग से, तो आपके हाथ में 10 दिन में आपके हाथ बहुत फ्री हो जाएगा हारमोनियम के ऊपर, आप कुछ भी बहुत स्पीड से बजा सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया है आपके लिए, देख आपको वीडियो में डिस्प्ले हो रहा होगा कि मैंने पहले स्टेप में कुछ 5 लाइनें बांट रखी हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि पहले स्टेप में भी 5 लाइनें और दूसरे स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड में भी जहाँ पे मैंने ऊपर आरो लिख रखा है उसमें भी मैंने 5 लाइनें बना रखी हैं, और जहाँ पे अवरो लिख रखा है वहाँ पे भी मैंने 5 लाइनें बना रखी हैं। तो टोटल ये आपकी 10 लाइनें हैं। तो अभी आप बात आती है पहली लाइन में, तो आप देख रहे होंगे आरो की पहली लाइन में मैंने क्या लिख रखा है, लिख रखा है सा रे सा गा, फिर डैश है, फिर सा रे गा मा गा रे सा, फिर डैश है, फिर सा रे गा मा। तो ये मैंने डैश क्यों लगाया है, तो पहले मैं आपको इसका कुछ बेसिक मतलब बता देता हूँ। ये मैंने डैश इसलिए लगाया ताकि आपको ये अच्छे से याद हो सके, ताकि आप इसको ब्रेक करके इसको तोड़ के आप अच्छे से याद कर सके। हालांकि ये सारी लाइन इकट्ठी है, इसको सारी को इकट्ठा ही बजाना। तो पहली लाइन क्या है, सा रे सा रे गा मा गा रे सा रे गा मा, ये ऐसा इकट्ठा बजेगा। मैं आपको एक बार बजा के दिखाता हूँ पहली लाइन, रियल में ये ऐसे आपको एक ही मतलब कि वे में बोलना, सारे इकट्ठा बोलना, इसको ब्रेक नहीं करना। सा रे गा मा गा रे सा रे गा मा, ये इस तरीके से चलेगा। ठीक है, बट आपको सिखाने के लिए आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ लग जाए तो मैंने इसको थोड़ा सा आसान कर दिया, आपको ब्रेक कर दिया इसको। आप क्या करोगे, सा रे सा गा, रुक जाओगे यहाँ पे, थोड़ा सा सांस लोगे, सा रे गा मा गा रे सा, फिर थोड़ा सा ब्रेक, सा रे गा मा। ठीक है, इस प्रकार आप पहली लाइन याद करोगे। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, पहली लाइन सा रे गा मा गा रे सा, फिर थोड़ा सा ब्रेक, सा रे गा मा। इस प्रकार आप 10-15 बार ये पहली लाइन बजाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। जब ये याद हो जाएगी फिर आपको इसको थोड़ा सा इस पैटर्न में बजाना, सा रे गा मा गा रे सा रे गा मा। फिर जो आप बीच में ब्रेक ले रहे थे ना, जैसे सा रे गा मा बजा के सा रे सा गा बजा के ब्रेक ले रहे थे जहाँ पे डैश थी, वो ब्रेक आपको हटा देना, उसको कंटिन्यूसली सारा एक ही लाइन को इकट्ठा बोलना है। ठीक है, तो इस पर तरीके से इसको तैयार करेंगे, तो देखते कैसे। पहले मैं आपको पहली लाइन से बताना शुरू करता हूँ। पहले लाइन में क्या है, सा रे गा मा गा रे सा रे गा मा। दूसरी लाइन, रे मा रे गा मा पा मा गा रे रे गा मा पा। तीसरी लाइन, गा मा पा धा पा मा गा मा पा धा। पांचवी लाइन, चौथी लाइन, मा पा मा पा धा नी धा पा मा पा धा नी। पांचवी लाइन, पा धा पा नी पा धा नी सा नी धा पा पा धा नी सा। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी आरओ की पहली 5 लाइनें बजेंगी। ठीक है, जब आपका ये आपको अच्छे से स्लो स्लो बजा के आपको याद हो जाए फिर आप इसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर इसी प्रकार आरओ कैसे बजेगा देख लीजिए, सा रे गा मा गा रे सा रे गा मा,
रे गा रे मा रे गा मा पा मा गा रे गा मा पा गा मा गा पा गा मा पा धा पा मा गा मा पा धा मा पा मा पा धा नी धा पा मा पा धा नी पा धा पानी पा धा नी सा नी धा पा धा नी सा। फिर आप इसको क्या करोगे, जब दो दफा इसको बजा लोगे स्लो में, फिर इसको थोड़ा फास्ट और करें। सारे सागा सारे गा मा गा रे सा सारे गा रे मा रे गा मा पा मा गा रे गा मा पा गा मा गा मा पा धा पा मा गा मा पा धा मा पा मा पा धा नी धा पा मा पा धा नी पा धा पा नी पा धा नी सा नी धा पा पा धा नी सा। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसके आरो की तैयारी करोगे। जब आपका आरो अच्छे से कंफर्म हो जाए फिर आप अवरो पे जाएंगे। अभी अवरो भी वैसे स्लो में, पहले स्लो में बिल्कुल। सा नी सा धा सा नी धा पा धा नी सा नी धा पा। फिर आरो की दूसरी नी धा नी धा पा मा पा धा नी धा पा मा। फिर तीसरी लाइन धा पा धा पा मा गा मा पा धा पा मा गा। फिर चौथी लाइन पा मा गा रे गा मा पा मा गा रे। फिर पांचवी लाइन मा गा मा रे मा गा रे सा रे गा मा मा गा रे सा। ठीक है, जब इस प्रकार आपका आरो भी थोड़ा थोड़ा आपको याद हो जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए, फिर उसको आप तेज कर दोगे। सा नी धा नी सा नी धा पा नी धा नी पा नी धा पा मा पा धा नी नी धा पा मा धा पा मा गा मा पा धा पा मा गा पा मा गा रे गा मा पा मा गा रे मा गा मा रे मा गा रे सा रे गा मा गा रे सा। तो इस प्रकार आपका आरो भी तैयार हो जाएगा। फिर जब आपका आरो तैयार हो जाए, अवरो तैयार हो जाए, दोनों चीज़ें तैयार हो जाए, फिर बाद में क्या करना है आपको, सारे को इकट्ठा बजाना है। ठीक है, जब ये आपका सारा आपको याद हो जाए, थोड़ा आपको बजाने लायक हो जाए, आपका थोड़ा हाथ भी कंफर्टेबल हो जाए, फिर आप इसको सारे को बजाओगे। पहले स्लो में इसको सारे में बजाना है। सारे सारे गा मा। जब आपकी एक लाइन हो जाएगी, जैसे सारे गा मा गा रे सारे गा मा, आप थोड़ा सा सांस ले सकते हैं क्योंकि ये लेंथ ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस अभी आपकी एक ही लाइन में कम से कम 15 मात्रा आ रही है, तो आप 15 मात्रा बोलने के बाद थोड़ा सा सांस ले सकते हैं, ये टाइमिंग ले सकते हैं। ठीक है, फिर सारे गा मा गा रे सारे गा मा। फिर दूसरी लाइन रे गा मा पा मा गा रे गा मा पा गा मा पा धा पा मा गा मा पा धा मा पा मा धा नी धा पा मा पा धा नी पा धा नी सा नी धा पा धा नी सा। अभी अवरो सा नी धा पा धा नी सा नी धा नी पा नी धा पा मा पा धा नी नी धा पा मा धा पा मा गा मा पा धा पा मा गा पा मा गा रे गा मा पा मा गा रे मा गा रे रे गा मा गा रे सा। तो इस प्रकार आपको आरो रो अवरो इकट्ठा बजाना है। जब आपको आरो अवरो इकट्ठा बजाना, फिर इसको आप कितना मर्जी तेज कर सकते हैं। आप जब आपको याद हो जाएगा आप इसको कितना मर्जी तेज कर सकते हैं। अभी तेज में आपको थोड़ा सा बजा के दिखा। सारे गा मा रे गा मा पा मा गा रे गा मा पा धा नी धा पा मा पा धा नी पा धा पा नी सा नी धा पा धा नी सा।
सानी साधा सानी ध प ध नी सा सानी ध प नी ध नी प नी ध प म प ध नी नी ध प म ध प ध म ध प म ग म प ध ध प म ग प म प ग प म ग रे ग म प प म ग रे म ग म रे म ग रे सा रे ग म म ग रे सा। तो इस प्रकार आप इसको तेज बजा सकते हैं, आप इससे और स्पीड बढ़ा सकते हैं। जब मेन बात है कि आप स्पीड तब तक नहीं आपकी आएगी जब तक आपको ये याद नहीं होगा, जब याद हो जाए तो आप इसको कितना मर्जी आप तेज़ बढ़ा सकते हैं। जब आपकी ये स्केल एक्सरसाइज इस स्केल से प्रैक्टिस हो जाए फिर आप इसको इस स्केल पे प्रैक्टिस करो, इस स्केल से भी ऐसे ही आएगी सेम सारे सा ग सा रे ग म ग रे सा रे ग म ग रे सा, फिर रे ग म प म ग रे ग म प ग म प ध प म ग म प ध। तो इस प्रकार स्केल से ट्राई करें, जब आपकी इस स्केल से स्पीड आ जाए फिर आप इस स्केल पे आ जाओ इस स्केल पे, तो टोटल 12 स्केल से हर एक स्केल से ट्राई करें, ऑटोमेटिकली आपके हाथ में स्पीड आ जाएगी। बस ये एक यही एक्सरसाइज है, एक यही मूल मंत्र है कि आप बार बार इसको अभ्यास करें इस एक्सरसाइज का, और मात्र 10 दिन आप इसको प्रैक्टिस कर ले, गारंटेड आपके हाथ में स्पीड आ जाएगी। सिर्फ यही इसका एक शॉर्टकट है, आप इस एक्सरसाइज को प्रयास करें, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आए कमेंट करिए, बाकी आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए क्योंकि मैंने आपको ऊपर नोटेशन भी दे दिया इस एक्सरसाइज का, और ये आपका पलटा ही है। पहले आरओ प्रैक्टिस करें अच्छे से, फिर अवरो को प्रैक्टिस करें, बाद में सारे को जब आपको याद हो जाए बाद आपको कंटिन्यूसली सारा आरओ अवरो इकट्ठा बजाना है, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, हो सके तो कोई दिक्कत हो कमेंट पे कमेंट करिएगा। धन्यवाद।